शुरू अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं दो तीन बातों के बारे में कहना चाहता हूँ जो कि सदन में कही गई हैं और जिनका अभी तक हमें मंत्री जी से कोई उत्तर नहीं मिला है। जहाँ तक यातायात का सवाल है, वाहनों के द्वारा ही हमारी उन्नति हो सकती है और वाहनों के द्वारा ही हम प्रगति कर सकते हैं, लेकिन यह सरकार उसकी जितनी उपेक्षा कर रही है उतनी शायद दूसरे कामों की नहीं कर रही है। मैं पहले यह स्पष्ट कर दूं कि हमारा दृष्टिकोण प्रशंसा करने का नहीं होता, हमारा दृष्टिकोण आलोचना का होता है। जो गलतियां हैं उन्हें मैं बताने की कोशिश करूंगा, जो गुण हैं उन्हें तो दूसरी पार्टी के लोग बताएंगे, ऐसी प्रथा है। पर जहां तक यातायात का सवाल है, रेल के डिब्बों के संबंध में इस सदन में और बाहर भी बार बार इस चीज की मांग की गई है कि इस बारे में कुछ किया जाए, क्योंकि आपके पास जितने डिब्बे हैं उनकी भी सप्लाई आप बराबर नहीं कर पा रहे हैं। उदाहरण के लिए, सरकार को यह मालूम है कि अनाज दो महीने मई और जून में आता है, इसी समय वह किसानों के पास से मंडियों में आता है, लेकिन उस समय जहां भी मंडी है वहां वैगन नहीं दिए जाते हैं। जब वर्षा शुरू हो जाती है तब वैगन दिए जाते हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि किसानों को सुविधाएं दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनके अधिकारों पर हमला किया जा रहा है। जब फसल आने पर वैगन नहीं मिलेंगे तो उसका परिणाम यह होगा कि बाजार में अनाज तो आएगा लेकिन खरीदने वाले नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होगा। एक तरफ तो भ्रष्टाचार के कारण बैंक वाले पैसा नहीं देते और दूसरी तरफ जब वैगन नहीं होंगे तो माल बाहर नहीं जाएगा और किसान का अनाज नहीं बिक सकेगा, इससे उनका बहुत नुकसान होता है। पर महोदय, आपके विभाग का यह हाल है कि एक जगह उसका एक भाग केंद्र सरकार के अधीन है तो दूसरा भाग राज्य सरकार के अधीन होता है। वहाँ पर आपका कानून अलग अलग होगा, वह सारे भागों में एक सा लागू होना चाहिए, लेकिन दुख की बात है कि रेलवे में अलग अलग सुविधाएं हैं, उनका जब आप एकीकरण नहीं करते हैं तब तक आप
कुछ कंट्रोल नहीं।